मैंने कोई खून नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूं, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूं, मैं कातिल नहीं हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। वरना हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और कठपुतली बनकर नहीं नाचूंगी। तुम लोगों ने मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, मैं फंस जाऊंगी। कोई नहीं फंसेगा मधु, मधु समझने की कोशिश करो। तुम लोगों ने मुझे कातिल बनाया, खूनी बना दिया। तुम खूनी नहीं हो मधु। मैं खूनी हूँ, मैं मुजरिम हूँ। तुमने कोई खून नहीं किया है। लेकिन खून तो हुआ है। कानून की नजरों में तुम गुनहगार नहीं हो मधु। लेकिन अपनी नजरों में मैं गुनहगार हूँ। मैंने अपने पति की हत्या की है, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। शट अप, शट अप। तुम्हारे पति की हत्या तुमने नहीं, मैंने की है। और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे ससुर का खून भी मैंने किया है। फिर तुम गुनहगार कैसे हो सकती हो? मधु, हमारा सारा प्लान कामयाब हो गया है, और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेत के गरौंदे की तरह गिराना चाहती हो। अगर तुमने हमारी साजिश का भांडा फोड़ दिया तो हम सब बुरी तरह से फंस जाएंगे, और नंदा फैमिली की जो दौलत अब तक तुम्हारे नाम है वो सरकार के नाम हो जाएगी। वो फिर क्या कहते हैं, वो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए मधु प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स मधु। शट अप, शट अप। तुम्हारे पति की हत्या तुमने नहीं, मैंने की। और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे ससुर का खून भी मैंने किया है। फिर तुम गुनहगार कैसे हो सकती हो? मधु, हमारा सारा प्लान कामयाब हो गया है, और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेत के गरौंदे की तरह गिराना चाहती हो। अगर तुमने हमारी साजिश का भांडा फोड़ दिया तो हम सब बुरी तरह से फंस जाएंगे, और नंदा फैमिली की जो दौलत अब तक तुम्हारे नाम है वो सरकार के नाम हो जाएगी। वो फिर क्या कहते हैं, वो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए मधु प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। अर्जुन? हाँ, मैं अर्जुन। अर्जुन, वो क्या कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। दौलत हासिल करने के लिए हाथों में दौलत की लकीर होनी चाहिए सागर। मतलब तुम्हारी मौत एक नाटक था। एक नाटक तुमने खेला, एक नाटक हमने खेला। तो तुम दोनों जिंदा हो। सत्य कभी नहीं मरता। तुम सबने इतने सारे लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल किया है, अपने मुजरिम होने का सबूत दिया है, वो देखो। तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे ससुर का खून भी मैंने किया है, फिर तुम गुनहगार कैसे हो सकती हो? मधु, हमारा सारा प्लान कामयाब हो गया है, और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेत के गरौंदे की तरह गिराना चाहती हो। देखा सागर, इसी सबूत को हासिल करने के लिए तो हमने ये ड्रामा किया, वरना मुझे तो तुम्हारे प्लान के बारे में उसी वक्त पता लग गया था जब मैं भाभी से मिलने घर गया था। हाँ सागर, जिस दिन अर्जुन को टेप मिली थी वो तुम्हें जान से मारने के लिए घर से निकला। तुम्हें खबरदार करने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम्हारा फोन इंगेज था, इसलिए मैंने पूजा को फोन किया। हेलो। ताकि वो अर्जुन को तुम्हारे घर आने से रोक सके। फिर तुम्हें सब कुछ बताने के लिए मैं तुम्हारे घर पहुंची, लेकिन जब मैं वहां पहुंची। इसका मतलब कि सारी दौलत सिर्फ हम दोनों में बटेगी। हाँ, अर्जुन की मौत के बाद, प्रॉपर्टी के सारे कागजात पर उसके दस्तखत लेने के बाद हम मधु और उसकी बहन दोनों को खत्म कर देंगे। और उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि चाहे मेरी बहन रहे या ना रहे, मैं अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगी। इसलिए मैंने अर्जुन को घर बुलाया, और अर्जुन सिर्फ अंजलि ही नहीं, सागर की इस साजिश का एक मोहरा मैं भी हूं, और नीलेश भी इस साजिश में शामिल है। नीलेश भी साजिश का हिस्सेदार है। क्यों? 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 बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तो मुझे पुलिस कमिश्नर के पास ले जाए।
मधु ये है तुम्हारी बहन, जिसकी जान बचाए रखने के लिए तुमने सागर और डॉक्टर नीलेश का साथ दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करना, हम इस बच्ची को उनके कैद से छोड़ा लेंगे। और अर्जुन, तुमने उन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए जो प्लान बनाया है उसमें पुलिस तुम्हारा पूरा पूरा साथ देगी। थैंक यू सर। मिस्टर पांडे, इससे पहले कि सागर और नीलेश की गोलियां अर्जुन को अपना निशाना बनाए, तुम्हें अर्जुन को अपनी नकली गोलियों का निशाना बनाना होगा, ताकि ये उन सबके सामने अपनी मौत का ढोंग कर सके। राइट सर। तुम लोगों ने भाभी को मौरा बनाकर चाल तो बहुत अच्छी चली, मगर तुम्हारा ही मौरा तुम्हें मात दे गया। हमारी रानी हमें धोखा दे गई, हम राजा नहीं बन सकते, लेकिन एक और प्यादा है हमारे पास। उधर देख। हराम सादे, इसी नन्ही सी जान को मौत की नौक पर रखकर तू अपना खेल खेलता रहा ना। सागर, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके थे, इसलिए हमने अर्जुन को सपोर्ट किया और उसकी मौत का ढोंग रचाया। हेलो, गेट रेडी क्विक। ओके, अर्ज क्या है? फोकट का हलवा खाने चले थे, बाबा का माल समझ के उड़ाने चले थे। ऐसी पड़ी लात हो गए खड़ी खाट, अब जूते पड़ेंगे 360। तुम दोनों आपस में ले लो, बांट बांट बांट, आधा बरसे आधा बरसे आधा बरसे आधा बरसे। अरे साजिद, हीरो को बुलाओ, शॉट रेडी है। पर ये शॉट डुप्लीकेट से नहीं, डुप्लीकेट नहीं, मैं अपने सब शॉट्स खुद देता हूं। अरे संभाल कान, संभाल। अर्जुन मैं आ रहा हूं, हट जाओ। अरे हीरो रेडी, अब शॉट कैसे होगा? अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी शूटिंग्स में छोटे छोटे ग्लास टूटते ही रहते हैं, फिक्र मत करो, हमारी पिक्चर सुपर हिट है। दूसरा ग्लास रेडी है? थोड़ी देर में आ जाएगा सर। ठीक है, मुझे बुला लेना, मैं जरा हीरोइन के साथ बैठा। हाँ, देखना दरवाजा खटखटा गया ना। अच्छा। अरे क्यों मार रहे हो यार, मैं प्रोडक्शन वाला हूँ, मुझे मत मारो, मैं आपका भाई हूँ। अरे क्या कर दिया आप लोगों ने, कपड़े फाड़ दिए। अरे कपड़ों में क्या रखा है, इसकी ऐसी की तैसी नहीं अच्छा लगता है। अर्जुन मैं आ रहा हूँ। तो शॉट रेडी है, तैयार होकर आ जाइए। ठीक है मैम।
ये शूटिंग चल रही है सुनना तू ना, पहले मोटरसाइकिल फिर साइकिल, अरे ये सब अरेंज कर लो, तब तक मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ। ये उसी का आदमी है, घेर लो, पकड़ लो इसको, दबा दो, छोड़ना नहीं, मारो इसको भाई। अरे क्या, ये उसी का आदमी है जिसने शूटिंग खराब कर दी। अरे मार दो भाई मुझे, अरे क्या कुत्ते की तरह मारोगे, अरे भाई कपड़े मत छोड़ो, कपड़े मत छोड़ो, मेरे भाई मेरी बात सुनो। अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो मेरे भाई, गाड़ी छोड़। अबे घोड़ों में बैठ के गधों जैसी हरकतें करते हो, कपड़े उतार लिए? अरे कपड़ों में रखा क्या है? अर्जुन मैं आ रहा हूँ। सकल कहाँ है? दरबार। हेलो, एयरक्राफ्ट तैयार रखो, हम लोग आ रहे हैं। ओके ओके ओके। खड़ी हो जाती तेरी खाट, वैसे ऊपर जाके भी पड़ते जूते पूरे 360। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ अपने साथ। चलो चल। थैंक यू, वेलकम।